आवाम के सवाल हैं आप दोनों के लिए, तो मैं इनसे जाऊंगा। ये आपको पता है, आप इनके चेहरों पे देखें, इनकी उम्मीदें देखें बिरयानी के लिए, इनके चेहरे पे एक एक बिरयानी की प्लेट नज़र आएगी। उनके पास जो मटन के नान वाले जो है ना, नान जो है ना, वो ज़्यादा जहन पे सवार रखें। बिरयानी तो नहीं, असल में कीमे पे शक रहते हैं ना, नहीं कीमे पे शक रहते हैं, लाहौर है। अच्छा, हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया सजाद। अच्छा, कोई सवाल लाएंगे? हाफिज साहब से क्वेश्चन है। वाकई आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया और हम भी कराची के हालात के बारे में सुन रहे हैं और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यू आर गोना वन, आप जीत जाएंगे, नज़र आ रहा है। हाउस वाइफ्स का भी बड़ा काम होता है घर में, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू गेट, हाउ दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट जब आपकी हुकूमत आएगी, उनको क्या फ़ायदा होगा, ये मेरा एक क्वेश्चन है। वो कैसे सोसाइटी में प्रोडक्टिव पार्ट रोल प्ले कर सकती हैं, उनको आपकी तरफ से क्या फ़ायदा हासिल होगा? ये तो बहुत ही अहम सवाल है। देखें, हाउस वाइफ्स हों जो भी हों, बाज़ार जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, और फिर घर की जो खातून होती है ना, वो तो उसका बच्चा भी बाहर जा रहा है, तो समझ लें उसका दिल बाहर है जब तक वो घर में आ नहीं रहा। एग्जैक्टली। आप देखें कि हम देखते हैं ना कि जब बच्चा बाइक पे निकलता है घर से और जब तक वो वापस नहीं आ जाता, परेशानी इतना धड़कता रहता है। कराची का इशू क्या है, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट कराची में अवेलेबल नहीं है। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंगची के धक्के खाती हैं आम खवातीन में देखता हूँ। इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट और महफूज ट्रांसपोर्ट, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है हमारी बच्चियों का और हमारी खवातीन का, वो ये है कि उनको तहफ़ मिले और उनको महफूज ट्रांसपोर्ट मिले और हमारी बच्चियों को एजुकेशन मिले। हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं। अब हमारे घरों का एक क्या इशू है, घर में जब साहब आते हैं, मतलब हम जैसे साहब आते हैं और जब आकर देखेंगे घर में पानी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये पानी पहले होता था कि कुछ गरीब बस्तियों के अंदर पानी नहीं है, अब मिडिल क्लास में भी नहीं होता और अब DHA में भी नहीं होता, नहीं होता, और टैंकर में होता है, नलकों में नहीं होता, या कमरे के अंदर आ जाता है, कमरे के अंदर बारिश का पानी आ जाएगा, सीवरेज का पानी आ जाएगा, लेकिन पानी आपके नलकों में नहीं मिलेगा। ये भी मुहावरा नहीं है, ऐसा कराची में होता है। ऐसा ही, ठीक है। तो जाहिर है सबसे ज्यादा कौन सफर करता है, घर की खातून सफर करती है, बेचारी दिन भर घर में पानी का इंतजाम के लिए बच्चों को आवाजें लगा रही है, चिल्ला रही है, और साहब जब शोहर घर में वापस आता है तो वो परेशान होता है, बार बार लाइट चली जाती है, तो 25 तरह के मसाइल का सामना उसी खातून को करना पड़ता है। बहुत सही, जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों का ताल्लुक उससे है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि किसी भी तरह हाथ जोड़ने पड़े, लड़ना पड़ा इसी सिंध हुकूमत से, इसी विफाकी कोई भी होगा, लड़ेंगे और महफूज ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा याद आया सीवरेज के पानी से, हफीज साहब, कराची में एक दिन हुआ, ये हम ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे, तो हमें नीचे से एडमिन वालों का फोन आया, सर पानी इस्तेमाल ना कीजिएगा बाथरूम का, सीवरेज का पानी आ रहा है नलके में, मिक्स हो गया। ठीक, अब जुमे का दिन था, तो वो बाथरूम से ना हमारा एक मैनेजर वुजू करके निकला, कहने लगा सर जल्दी करें, जुमे का वक्त हो रहा है। मैंने कहा बेटा आप घर जाएं, गुसल का वक्त हो रहा है आपके, क्योंकि आप सीवरेज के पानी से गुसल करके आ रहे हैं। तो इतने में ना हमारा पियोन अंदर आया, कहने लगा सर आप भी तो चाय पी रहे ना उसी पानी से बनी है, आप तो अंदर से गुसल करो।